अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद अफान शेख है और आज हम डिस्कस करेंगे ज़िपॉक्सी पेंट एंड कोटिंग्स प्रोडक्ट रेंज विद फॉर्मुलेशन गाइडलाइंस। ये प्रेजेंटेशन बेसिकली उन सब लोगों के लिए टारगेटेड है जो ऑलरेडी ज़िपॉक्सी पेंट मैन्युफैक्चर करते हैं, आइदर वो लार्ज स्केल पे करते हों या स्मॉल स्केल पे करते हों, और इवन वो लोग जो कि इस बिज़नेस में इन होना चाहते हैं। ये प्रेजेंटेशन चार हिस्सों में डिवाइडेड है। पहले हिस्से में हम ज़िपॉक्सी पेंट्स का इंट्रोडक्शन देंगे, फिर अपनी प्रोडक्ट रेंज के बारे में बात करेंगे। थर्ड पार्ट में हम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ज़िपॉक्सी कोटिंग रॉ मटेरियल्स डिस्कस करेंगे, और लास्टली हम नोट्स ऑन फॉर्मुलेशन एंड एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। पार्ट वन, इंट्रोडक्शन। किसी भी ज़िपॉक्सी पेंट एंड कोटिंग सिस्टम्स के अंदर सात हिस्से होते हैं। पहला ज़िपॉक्सी रेजिन, जो कि नॉर्मली सॉल्वेंट बेस्ड होता है। फिर एडिटिव्स जैसे कि डिस्पर्सिंग एजेंट, एंटी फोमिंग एजेंट, लेवलिंग एजेंट, जो कि पेंट की एप्लीकेशन और फाइनल फिनिश के लिए हेल्पफुल होते हैं। फिर हैं पिगमेंट्स, फिलर्स, फिर सॉल्वेंट्स हैं जो कि कोटिंग की जो क्योरिंग प्रोफाइल है उसको हेल्प करते हैं। फिर हार्डनर है जो कि एक्चुअली इस पूरे रेजिन कंपोनेंट को हार्ड करता है। और एक्सेलरेटर ऑप्शनली डाला जा सकता है जब मौसम जो है ठंडा होता है। तो किसी भी ज़िपॉक्सी पेंट एंड कोटिंग सिस्टम को जब आप मैनुफैक्चर करते हैं तो उसके पाँच मुख्तलिफ टाइप की एप्लीकेशन होती हैं। पहला तो किसी भी पोरस सबस्ट्रेट्स के लिए सीलिंग प्राइमर। अब वो पोरस सबस्ट्रेट कंक्रीट भी हो सकता है, वुड भी हो सकता है या कोई और पोरस सबस्ट्रेट। फिर है आयरन सबस्ट्रेट के लिए एज अ प्राइमर फॉर कोरोजन प्रोटेक्शन। फिर नंबर थ्री है हाई एडिजन प्राइमर फॉर अदर क्रिटिकल मेटल्स विच आर नॉट आयरन। फिर है अंडरकोट्स और फिर है टॉप कोट। पार्ट टू, ज़िपॉक्सी पेंट एंड कोटिंग्स प्रोडक्ट रेंज। तो बेसिकली रेसिकेम लाया है रेजिन्स के तीन प्रोडक्ट्स, हार्डनर्स के चार प्रोडक्ट्स और एडिटिव्स के पांच प्रोडक्ट्स। रेजिन्स हैं हमारे ज़िपॉक्सी RER011X75, ज़िपॉक्सी RER012X75 और ज़िपॉक्सी RER134X90। ज़िपॉक्सी RER011X75 बेसिकली स्टैंडर्ड टाइप 1 सॉलिड का सोल्यूशन है और यही पूरी पेंट इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज यही मटेरियल होता है। इसकी EWS 600-700, अपीयरेंस इसकी वाटर वाइट टू लाइट येलो लिक्विड है, विस्कोसिटी 10,000-15,000 CPS है, स्टैंडर्ड 75% सॉलिड्स में अवेलेबल होता है। इसके बाद है ज़िपॉक्सी RER012X75। इसकी भी अपीयरेंस 011X75 से सेम है, लेकिन इसकी EW ज़्यादा है और विस्कोसिटी भी जैसे कि आप देख सकते हैं ज़्यादा है, लेकिन इसका सॉलिड कॉन्टेंट सेम है। इस रेजिन का बेनिफिट बेसिकली ये है कि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम्पेयर टू 011X75 ज़्यादा है और इसकी टैग भी ज़्यादा है। फिर थर्ड है हमारे पास ज़िपॉक्सी RER134X90। इसकी अपीयरेंस भी सेम है, लेकिन इसकी EW कम है और इसकी विस्कोसिटी जो है 011X75 से सेम है, लेकिन सॉलिड कॉन्टेंट इसके ज़्यादा हैं। इस रेजिन का मेन बेनिफिट है लो VOC कोटिंग्स विद इम्प्रूव्ड केमिकल रेजिस्टेंस। तो ये तो हमारे तीन रेजिन हो गए। अब है हमारे हार्डनर्स। सबसे पहले ज़िपॉक्सी RER115, इट्स अ क्लियर येलो टू ब्राउन लिक्विड। इसकी अमाइन वैल्यू हाई होती है 280-310, विस्कोसिटी इसकी 2 लाख से 7 लाख के अराउंड होती है, या अगर आप 40 डिग्री की विस्कोसिटी को कंसिडर करें तो अराउंड इनफैक्ट 45 डिग्री पे ये 40,000-60,000 CPS पे होता है। सॉलिड इसका 100% होता है, एक्टिव हाइड्रोजन इक्विवेलेंट वेट 190 होता है, और ये स्टैंडर्ड हाई विस्कोसिटी पॉलीअमाइड हार्डनर है विद हाई इमिडाज़ोल कॉन्टेंट। इसके अलावा एक और हमारे पास हार्डनर है ज़िपॉक्सी RER115EC। इसकी अपीयरेंस, विस्कोसिटी, सॉलिड्स और AHEW वैल्यू ज़िपॉक्सी RER115 के साथ सेम है। इसकी अमाइन वैल्यू जो है ना सिर्फ कम है, और इसका मतलब ये है कि इसमें जो इमिडाज़ोल कंटेंट है वो नहीं है, तो स्टैंडर्ड पॉलीअमाइड हार्डनर है ये। फिर है ज़िपॉक्सी RER115MXB70। ये बेसिकली एक स्पेशल सॉल्यूशन है पॉलीअमाइड का, और ये स्पेशल सॉल्यूशन का मकसद है डैम सबस्ट्रेट्स के लिए क्योरिंग, डैम सबस्ट्रेट में गुड एडिशन, लो टेम्परेचर क्योरिंग, हाई ह्यूमिडिटी क्योरिंग, और इवन इसकी ग्लॉस भी इम्प्रूव्ड होती है। फिर है ज़िपॉक्सी RER215XB70। ये आप कह सकते हैं कि ज़िपॉक्सी RER115 का हायर ग्लॉस काउंटर है, और एट द सेम टाइम इसकी इम्पैक्ट रेजिस्टेंस भी बाकी सारे रेजिन से हायर है। एडिजन थोड़ी सी इसकी कम है, लेकिन एडिजन का नॉर्मली मसला नहीं होता, क्योंकि आप जब प्राइमर कोट लगाते हैं तो ये तो बेसिकली टॉप कोट मटेरियल है, तो प्राइमर कोट एज लॉन्ग एज आपका 115 पे बेस्ड है तो ये टॉप कोट में आप यूज़ करेंगे तो एडिजन का कोई मसला नहीं होगा। फिर हमारे पास एडिटिव्स हैं, जैसे आपको ने बताया RESI DF401, डी फोमिंग एजेंट विच डी एरेट्स फिल्ड ज़िपॉक्सी सिस्टम्स विच रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन मिक्स विस्कोसिटी एंड अ बबल फ्री सर्फेस। फिर DS767, ये आपके फिलर्स को, पिगमेंट्स को जो है सेटलिंग से प्रिवेंट करने के लिए और वेल डिस्पर्शन के लिए ज़रूरी है इसको इनकॉर्पोरेट करना। फिर LV848,
इससे जो है आपको क्रिएटर फ्री सर्विस मिलता है और एक स्मूथ बिल्कुल उसकी लेवलिंग होती है। जैसी MR-822 ये आपकी बेसिकली मार रेजिस्टेंस यानी कि स्क्रैच रेजिस्टेंस थोड़ी सी बेहतर करता है और एंटी फोमिंग भी प्रोवाइड करता है एट द सेम टाइम। और जैसी ACL-5130 ये स्टैंडर्ड क्योरिंग एक्सीलरेटर है। पार्ट 3, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एपॉक्सी पेंट एंड कोटिंग्स। सबसे पहले है एडिजन। तो एडिजन का ASTM स्टैंडर्ड है ASTM D3359 जो कि स्टैंडर्ड टेप टेस्ट होता है। इसमें बेसिकली आप या तो एक्स कट बनाते हैं या लेटेस्ट पैटर्न बनाते हैं और फिर एक स्टैंडर्ड टेप होता है जिसकी सर्टेन एक पील स्ट्रेंथ होती है और उसको आप जो है टेप को लगाते हैं कोटिंग के ऊपर और पील ऑफ करके आप उसकी कोटिंग को जज करते हैं 0 to 5 के स्केल पर। फिर है ASTM D6677, ये भी एडिजन का ही एक स्टैंडर्ड है लेकिन इसमें जो है आप एक्स का स्क्राइब लगा के और नाइफ से उसको जो है कोटिंग को पील ऑफ करने की कोशिश करते हैं और उससे आप जज करते हैं कि एडिजन कैसी है। और एक और है ASTM D4541, इसमें बेसिकली आपके पास एक पुल ऑफ एडिजन टेस्टर होता है, आप डॉलीज को अटैच करते हैं कोटिंग के साथ बॉन्ड करते हैं और उस डॉली को आप जो है उस एडिजन टेस्टर के थ्रू पुल ऑफ करते हैं और वो आपको जो है मेगा पास्कल्स में एक पुल ऑफ एडिजन की वैल्यू देता है। इन तीनों टेस्ट में सबसे जो वैलिड है वो ASTM D4541 ही होता है। फिर नंबर 2 है कोरोजन प्रोटेक्शन। इसका स्टैंडर्ड है ASTM B117। ये बेसिकली सॉल्ट स्प्रे टेस्ट होता है, इसके लिए सॉल्ट चेंबर होता है जिसके अंदर सॉल्ट वाटर और ह्यूमिडिटी मेंटेन होती है अलॉन्ग विद टेम्परेचर और उसको अराउंड 200 आवर्स ऑफ सॉल्ट एक्सपोजर, 500 आवर्स ऑफ सॉल्ट एक्सपोजर, 1000 आवर्स ऑफ सॉल्ट एक्सपोजर मुख्तलिफ टाइम्स के लिए एक्सपोज करते हैं और उससे फिर कंपैरिजन करते हैं कि जो है कितना रस्ट पकड़ा उस सरफेस ने। फिर है इम्पैक्ट स्ट्रेंथ। इसका स्टैंडर्ड है ASTM D2794। इसका बेसिकली प्रिंसिपल ये है कि आप एक सर्टेन हाइट से एक सर्टेन मास को ड्रॉप करते हैं कोटिंग के ऊपर और जो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है उसके थ्रू आप सिंपली फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट से आपको इम्पैक्ट एनर्जी मिल जाती है। तो जिस मास और जिस डिस्टेंस पे कोटिंग आपकी क्रैक कर जाती है वो आपकी इम्पैक्ट स्ट्रेंथ हो जाती है। फिर है फ्लेक्सिबिलिटी। इसका स्टैंडर्ड है ASTM D522M। ये बेसिकली एक कॉनिकल मैंड्रल बेंड टेस्टिंग मशीन होती है, आप प्लेट के ऊपर कोटिंग करते हैं और वो जो मशीन है वो प्लेट को बेंड करती है और जैसे ही कोटिंग की फ्लेक्सिबिलिटी से ज़्यादा प्लेट जब बेंड हो जाती है तो कोटिंग जो है क्रैक कर जाती है। फिर है केमिकल रेजिस्टेंस और हीट रेजिस्टेंस। केमिकल रेजिस्टेंस का स्टैंडर्ड है ASTM D1654। इसका तरीका ये है कि आप स्क्राइब करते हैं कोटिंग के ऊपर और उसको जो है जो आपका कोरोसिव एटमॉस्फेयर है, जो भी कोरोसिव आपके केमिकल्स हैं उनसे आप एक्सपोज करते हैं उस सरफेस को और फिर आप जज करते हैं कि कोटिंग इफेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। फिर है हीट रेजिस्टेंस, उसका स्टैंडर्ड है ASTM D648 और ये बेसिकली हीट डिफ्लेक्शन बताता है किसी भी कोटिंग की अंडर फ्लेक्चुरल लोड। फिर नंबर 6 पे है ब्लश रेजिस्टेंस, ग्लॉस और येलोइंग रेजिस्टेंस। ब्लश रेजिस्टेंस तो बेसिकली विजुअली ऑब्जर्व होती है, ग्लॉस के लिए स्टैंडर्ड है ASTM D523 जो कि बताता है कि हमें स्पेक्युलर ग्लॉस मीटर यूज़ करना चाहिए जिसके 3 टाइप्स के रिजल्ट्स होते हैं, 20° ग्लॉस, 60° ग्लॉस और 85° ग्लॉस। फिर है येलोइंग रेजिस्टेंस, इसका स्टैंडर्ड है ASTM G154। येलोइंग रेजिस्टेंस बेसिकली यूवी चैम्बर में होती है, उस यूवी चैम्बर में जो यूवी सोर्स होती है उसकी एक सर्टेन वेवलेंथ होती है जो कि एक्चुअल सनलाइट को मिमिक करती है और अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ यूवी आवर्स ऑफ एक्सपोजर हम कंपेयर करते हैं कौन सा सिस्टम ज़्यादा देर सर्वाइव करता है विदाउट येलोइंग या विदाउट चॉकिंग। फिर है पॉट लाइफ, ड्राइंग टाइम और क्योरिंग टाइम। पॉट लाइफ का स्टैंडर्ड बेसिकली ये होता है कि आप 40% सॉलिड्स पे ले आते हैं किसी भी मिक्स को और उसकी मास बेशक 100 grams हो या 1 kg हो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सॉल्वेंट बेस्ड सिस्टम में इसमें एक्सोथर्म तो होता नहीं है तो आप उसकी पॉट लाइफ वैसे जज करते हैं। फिर है ड्राइंग टाइम, वो भी आप जो है ऑब्जर्व करते हैं विजुअली और इसके अलावा ड्राइंग टाइम आप टैकीनेस से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। फिर है क्योरिंग टाइम, बेसिकली ड्राइंग टाइम एंड क्योरिंग टाइम आप पेंसिल हार्डनेस से भी जज कर सकते हैं और एक होती है बुश होल्ड हार्डनेस, उससे भी आप जज कर सकते हैं। नंबर 8 है हाई ह्यूमिडिटी, लो टेम्परेचर एंड डैम सबस्ट्रेट क्योरिंग। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो हाई ह्यूमिडिटी और लो टेम्परेचर के लिए बेसिकली एनवायरमेंटल चेम्बर्स होते हैं, तो 10 degrees और 5 degrees पे जो मैक्सिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है उस पे आप जो है कोटिंग को क्योर करके देखते हैं, उसको हार्डन करके देखते हैं, आप देखते हैं कि कोटिंग एक्चुअली परफॉर्म कर रही है उस टेम्परेचर कंडीशन में कि नहीं कर रही। और फिर जो डैम सबस्ट्रेट क्योर है ये सिर्फ इसमें फ़र्क नंबर 1 पे जो एडिशन है उससे सिर्फ फ़र्क ये है कि आपका सबस्ट्रेट डैम्प हो जाएगा इस बारी,
बाकी वही आपके जो एडिजन के स्टैंड्स हैं सारे जो ऊपर मेंशन है वही सारे यूज होंगे इसके अंदर। तो हमने बेसिकली इसमें से काफ़ी स्टैंडर्ड्स फॉलो किए हैं और कुछ जो है हमारे पास अवेलेबल नहीं थे, तो हमने उसके इक्विवेलेंट इंटरनल स्टैंडर्ड्स बनाए और उनके थ्रू हमने रेजिन और हार्डनेस का अपना कंपैरिजन किया है। और वो ये है, एडिजन और कोरोजन प्रोटेक्शन में RER 011X75 सबसे अच्छा है, एक्सेलेंट है। इससे थोड़ी सी ही एक नॉच हल्की एडिजन है 012X75 की, और इन दोनों के मुकाबले में 134X90 की एडिजन कम है। एक्चुअली एडिजन इसकी बहुत ज़्यादा है लेकिन कंपैरेटिवली कम है। फिर है इम्पैक्ट रेजिस्टेंस और फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसमें RER 012X75 सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट रेजिस्टेंस, सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। फिर है RER 011X75 जिसकी एक स्टैंडर्ड एक्सेप्टेड इम्पैक्ट रेजिस्टेंस और फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और RER 134X90 की फेयर इम्पैक्ट रेजिस्टेंस होती है, इन दोनों से कम होती है। फिर केमिकल और हीट रेजिस्टेंस, केमिकल और हीट रेजिस्टेंस में अब इस बारी RER 012X75 तीनों में लोएस्ट है, क्योंकि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी सबसे ज़्यादा है, फंक्शनैलिटी भी सबसे कम है, इस वजह से इसका TG भी सबसे कम है। और फिर RER 011X75 की एक स्टैंडर्ड एक्सेप्टेड केमिकल और हीट रेजिस्टेंस होती है, और तीनों में RER 134X90 की हाईएस्ट केमिकल और हीट रेजिस्टेंस होती है। फिर है ब्लश रेजिस्टेंस और ग्लॉस। ब्लश रेजिस्टेंस और ग्लॉस में RER 012X75 और 011X75 दोनों ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन 012X75 की स्लाइटली जो है हायर ग्लॉस होती है, और RER 134X90 इनके मुकाबले में कम ग्लॉस का होता है। एक्चुअली ग्लॉस इतनी पता नहीं चलती, लेकिन ये ब्लश कर जाता है तो उसको ऐसे ग्लॉस इफेक्ट हो जाती है। फिर है पॉट लाइफ, ड्राइंग टाइम और क्योरिंग टाइम। RER 134X90 की पॉट लाइफ तीनों में थोड़ी सी ज़्यादा है, फिर 011X75 थोड़ा सा क्विक है उसके मुकाबले में, और 012X75 तीनों में सबसे ज़्यादा क्विक है, मतलब ये कि लोएस्ट पॉट लाइफ इसकी है। तो ये तो हो गए रेजन। अब है हार्डनर्स। हार्डनर्स में भी लाइकवाइज हम कंपेरिजन करें अगर, तो एडिजन और कोरोजन प्रोटेक्शन में देखा जाए तो REH 115EC की सबसे अच्छी एडिजन और कोरोजन प्रोटेक्शन है। फिर REH 115MXB70, फिर REH 115 और REH 215XB70 की फिर एडिजन एंड कोरोजन प्रोटेक्शन है। इम्पैक्ट रेजिस्टेंस और फ्लेक्सिबिलिटी की बात की जाए तो REH 215XB70 जो कि हाई ग्लॉस हार्डनर है सबसे अच्छा है ये। फिर REH 115EC है, फिर REH 115MXB70 आता है, और फिर REH 115 की भी अच्छी इम्पैक्ट रेजिस्टेंस होती है। स्केल में सबसे नीचे होने का मतलब ये नहीं कि ये ख़राब है, लेकिन जैसे कि मेंशन हुआ कि इसकी भी गुड इम्पैक्ट रेजिस्टेंस और फ्लेक्सिबिलिटी है। फिर है पॉट लाइफ और ड्राइंग टाइम। पॉट लाइफ को देखा जाए तो अगेन REH 215XB70 की सबसे लॉन्ग पॉट लाइफ है, मतलब ये कि एक अगर आपने मिक्स बनाया है इस हार्डनर के साथ तो उस मिक्स को आप बहुत टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। फिर REH 115EC की पॉट लाइफ है, फिर REH 115 और REH 115XB70 एक्चुअली क्विक क्योरिंग है, लेकिन ये बेसिकली रिकमेंडेड है लोअर टेम्परेचर्स के लिए, तो लोअर टेम्परेचर पर जब आप चले जाएंगे तो ये इतना क्विक क्योरिंग नहीं होगा। फिर है हाई ह्यूमिडिटी लो टेम्परेचर डैम सब्सट्रेट क्योर। तो जैसे कि पहले मैंने बताया REH 115MXB70 एक्सीलेंट है इस स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए। फिर REH 115 के भी मुनासिब रिजल्ट्स हैं, REH 115EC के इतना अच्छे रिजल्ट्स नहीं हैं, और REH 215XB70 की जो है पुअर मॉइस्चर रेजिस्टेंस है। फिर है सॉल्वेंट रेजिस्टेंस। सॉल्वेंट रेजिस्टेंस में REH 115MXB70 सबसे अच्छा है, फिर REH 115 है ये भी स्टैंडर्ड है अच्छा है, REH 115EC की बची सॉल्वेंट रेजिस्टेंस है, और सारों में सबसे कम REH 215XB70 की है, लेकिन ओवरऑल इन सब की जो है एक अच्छी सॉल्वेंट रेजिस्टेंस है। फिर है ग्लॉस और येलोइंग रेजिस्टेंस। ग्लॉस में जैसे कि पहले मैंने आपको बताया और येलोइंग रेजिस्टेंस में REH 215XB70 सबसे अच्छा है, एक्सीलेंट है, बिल्कुल बिल्कुल ब्लश रेजिस्टेंट भी है ये, तो ब्लश भी नहीं होगा, ग्लॉस भी इसकी आए है, यूवी से इफेक्ट भी इसका बहुत कम से कम होता है यूवी लाइट से। फिर REH 115MXB70 की भी ग्लॉस डिसेंट है, हाई ग्लॉस नहीं कहलाएगी लेकिन मीडियम ग्लॉस कहलाएगी। REH 115 की ग्लॉस तो लो होती है, लेकिन क्योंकि ब्लश फ्री सर्फेस होता है तो इसलिए ग्लॉस इसकी REH 115EC से बेहतर लगती है, क्योंकि REH 115EC जो है थोड़ा सा ब्लश भी करता है। ये हो गए हार्डनर्स। अब हार्डनर्स पे ही थोड़ा सा और अगर मैं ब्रीफ करूँ तो हमारे जो स्टैंडर्ड हार्डनर्स हैं जो कि मार्केट में रनिंग है 011X75 के साथ, वो हैं REH 115 और REH 115EC। दोनों में बेसिक फ़र्क है इमिडाजोल कंटेंट का और अमाइन वैल्यू का, दोनों ही एक्सेप्टेड हैं, दोनों ही चलते हैं, लेकिन इन दोनों के मुकाबले में हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक स्पेशल मॉडिफाइड सॉल्यूशन जो कि मैंने बताया REH 115MXB70 है। इस सॉल्यूशन का फ़ायदा ये है कि
जो स्टैंडर्ड हार्डनर्स एटमोस्फेरिक ह्यूमिडिटी पे ब्लश कर जाते हैं और सेंसिटिव होते हैं, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और क्योरिंग इफेक्ट होती है इस चीज़ से, सरफेस टैक बनती है और फ्लो डिफेक्ट्स होते हैं, क्लाउडीनेस इन फिल्म, ये सब चीज़ें जो हैं RH115 MXP70 में नहीं होती। तो ईजीली बहुत अच्छे तरीके से ये क्योर होता है लो टेम्परेचर्स में भी, डैम सब्सट्रेट्स में भी, हाई ह्यूमिड जो है एनवायरनमेंट में भी। इसके अलावा जो रेट ऑफ क्योरिंग है तो वो भी इसका बहुत बेहतर है RH115 और RH115 EC का EC के मुकाबले में उन्हीं लोअर टेम्परेचर्स पे। आप देख सकते हैं टेबल में ये सब डिटेल्स मैंने मेंशन की भी हैं। अगर 30 डिग्री सेल्सियस पे 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, जो कि एक नॉर्मल एक कंडीशन है, उसमें वन डे पे अगर आप ये दोनों सिस्टम्स को क्योर करें तो दोनों ही क्लियर और टैग फ्री होते हैं एक दिन के बाद। लेकिन अगर आप 10 डिग्रीज पे आ जाते हैं और 10 डिग्रीज के हिसाब से 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी हो, तो एक दिन के बाद RH115 और 15 EC की जो कोटिंग है वो स्लाइटली टैकी होगी, इवन दो के क्लियर होगी। लेकिन जो इसका ऑल्टरनेट है 115 MXP70, वो बिल्कुल क्लियर और टैग फ्री होगा। और फिर 7 डेज़ के बाद जो है 115 EC की जाके नियरली टैग फ्री होगी, मतलब अभी भी पूरी टैग फ्री नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे आप मेन डिफरेंस देख सकते हैं। फिर थर्ड है 5 डिग्री सेल्सियस और नीचे आ जाएँ और 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इस पर 1 डे और 7 डेज़ का जो एक्सपोजर है, तो 1 डे में 115 EC की फिनिश तो क्लियर है लेकिन बिल्कुल ही टैकी है इस बार ही। मतलब ये कि 10 से जब 5 डिग्रीज पर आ जाते हैं जो स्लाइटली टैकी था, तो अब ये बिल्कुल ही टैकी हो गया। और 7 डेज में भी इवन ये स्लाइटली टैकी रहता है, लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप 115 MXP70 देखिए तो उसका फिनिश भी क्लियर है और वो नियरली टैग फ्री है 1 डे पे और 7 डेज में बिल्कुल टैग फ्री है। तो बेसिकली जहाँ पे भी ऐसा हाई ह्यूमिडिटी एनवायरनमेंट हो, लो टेम्परेचर एनवायरनमेंट हो, तो वहाँ पे 115 MXP70 को प्रेफर करना चाहिए। तो अभी तक के डिस्कशन का निचोड़ ये है कि हम बेसिकली ये 6 टाइप्स के सिस्टम आपको रिकमेंड करते हैं। पहला ये कि 011X75 100 ग्राम्स में 115 EC 29 ग्राम्स का इनका जो रेशियो है, ये जनरल पर्पज़ प्रोटेक्टिव कोटिंग के तौर पर इस्तेमाल होता है। फिर सेकेंड 011X75 और RH115 भी जो है जनरल पर्पज़ प्रोटेक्टिव कोटिंग के तौर पे ही इस्तेमाल होता है, दोनों का मिक्स रेशियो भी सेम है। थर्ड, जैसे मैंने आपको बताया 011X75 और RH115 MXP70 रेशियो थोड़ा चेंज है इनका 100:58, लेकिन ये हाई ह्यूमिडिटी, लो टेम्परेचर और डैम सब्सट्रेट कोटिंग्स के लिए रिकमेंडेड है। नंबर 4 पे RER011X75 100 और REH215XB70, ये हाई ग्लॉस कोटिंग्स के लिए। फिर है RER134X90 और REH115, ये हायर सॉलिड कोटिंग्स के लिए है। बेसिकली मतलब ये कि लोअर VOC कंटेंट्स और इसकी इम्प्रूव केमिकल और हीट रेजिस्टेंस होती है बाकी सिस्टम्स के मुकाबले में। और फिर है RER012X75 और REH115EC, इसका मिक्स रेशियो 100:20 है और ये हायर फ्लेक्सिबिलिटी कोटिंग्स के लिए है, मतलब उन सबस्ट्रेट्स पे भी ये लग सकता है जो सबस्ट्रेट्स खुद ही फ्लेक्सिबल हैं। पार्ट 4, नोट्स ऑन फॉर्मुलेशन एंड एप्लीकेशन। तो बेसिकली जैसे कि शुरू में आपको बताया कि 5 टाइप के एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं। एक कंक्रीट की या पोरस सबस्ट्रेट की सीलिंग वार्निशेस बनती हैं, फिर ये कि आयरन के प्रोटेक्शन प्राइमर्स बनते हैं, फिर वेरियस मेटल्स के प्रोटेक्शन प्राइमर्स बनते हैं, फिर अंडरकोट होता है और एक टॉप कोट होता है। उसमें सबसे पहला जो है कंक्रीट सीलिंग वार्निशेस। तो एब्जॉर्बेंट सबस्ट्रेट्स लाइक कंक्रीट आर प्राइम्ड विद लो विस्कोसिटी अनफिल्ड सिस्टम्स दैट हैव हाई पेनिट्रेटिंग पावर एंड एडिजन। बेस्ट फॉर्मुलेशन आर बेस्ड ऑन RER134X90 ड्यू टू इट्स लोएस्ट मॉलिक्यूलर साइज अमंग द रेजिन्स। दिस मीन्स इट हैज हायर पेनिट्रेशन पावर इनटू पोर्स। बेसिकली किसी भी प्राइमर का पर्पस है पोर फिलिंग, strengthening the topmost concrete layer to form a sufficiently strong base for subsequent coatings, or फिर binding the rest of the concrete to avoid adhesion impairment. तो इन properties को achieve करने के लिए hardener आपका ऐसा होना चाहिए जो कि slight भी moisture हो environment में या concrete में या humidity हो या low temperature हो, वो आपकी hardening या adhesion को effect ना करें। तो इसलिए important ये है कि primers में REH115 MXP70 use किया जाए। और इसकी आप जो है फॉर्मूलेशन देख सकते हैं राइट साइड पे। RER134X90 रेजिन है, इसमें MIBK और ज़ाइलिन मिक्स करके एक पार्ट ए बना है, और फिर REH115 MXP70 में ज़ाइलिन और एनब्यूटानॉल मिक्स करके एक पार्ट बी बना है। और इस पूरे का सॉलिड कंटेंट 40% है। 40% इसलिए कि 40% सॉलिड्स में जो पेनिट्रेशन पावर चाहिए पोर्स के अंदर जाने की वो अचीव हो जाती है, और फिल्म का भी एक यूनिफॉर्म फिनिश आता है, मतलब फिल्म में कोई क्रिएटर्स वगैरह आपको नहीं मिलेंगे, वो भी चीज़ इंपॉर्टेंट है।
इसकी पॉट लाइफ जो है 12 घंटे 30 डिग्री सेल्सियस पर। फिर हैं आयरन प्रोटेक्शन प्राइमर्स। आयरन इज गिवन अ कोरोजन प्रोटेक्शन प्राइमर फॉर्मुलेटेड विद आयरन ऑक्साइड, जिंक फॉस्फेट और जिंक पाउडर एज अ कोरोजन प्रोटेक्शन पिगमेंट्स। इसमें अगर हम जिंक पाउडर की बात करें तो इन ऑर्डर नॉट टू इंसुलेट द वेरियस पिगमेंट पार्टिकल्स फ्रॉम ईच अदर इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ वेरी लिटिल बाइंडर। जिंक पाउडर का कोरोजन प्रोटेक्शन का जो मेथड है ना वो इलेक्ट्रोकेमिकल है और उसके लिए ज़रूरी है कि जिंक पाउडर के जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में इंसुलेट ना हो, आपस में कॉन्टेक्टेड रहें। तो इस वजह से जैसे कि आप देख सकते हैं ये 1000 पार्ट्स में 890 पार्ट जिंक पाउडर होना ज़रूरी है। तो ये जिंक रिच प्राइमर की एप्लीकेशन आप देख लें, इसमें जिंक पाउडर के अलावा MIBK, के ज़ारीन एनबुटानॉल है और बाइंडर में जो है 011X75 है स्टैंडर्ड रेजन और RE-115MXB70 जो कि स्पेशल सॉल्यूशन है हमारा पॉलीएमाइड का। और इसमें बाइंडर्स टू फिलर रेशियो है 5:95 जो कि ज़रूरी है कोरोजन प्रोटेक्शन के लिए। सॉलिड्स का 91.5% है इसका, इसकी विस्कोसिटी बहुत हाई होती है। तो ये तो बेसिकली के स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन है। आपका एक पार्ट सी होगा जो कि ज़ारीन और एनबुटानॉल का 4:1 में एक मिक्सचर होगा। उस पार्ट सी को आपने ए और बी के मिक्स में जितना डालेंगे वो मिक्स पतला होता रहेगा और उतने माइक्रॉन्स की आपको कोटिंग अचीव हो जाएगी। बेसिकली इस केस में रिकमेंडेड 50 माइक्रॉन की कोटिंग होती है। तो 50 माइक्रॉन की कोटिंग के लिए आपको सॉलिड्स कंटेंट काफ़ी कम करना पड़ेगा, अराउंड 60-70% तो करना पड़ेगा एटलीस्ट। फिर इसी में एक और ऑप्शन है जिंक फॉस्फेट और रेड आयरन ऑक्साइड के कॉम्बिनेशन की एज अ प्राइमर। तो उसमें 011X75 इस बारी जो है कॉन्टेंट बढ़ा दिया हमने उसका। फिर MIBK, ज़ारीन एनबुटानॉल है, बेरियम सल्फेट है, टैल्क पाउडर है, जिंक फॉस्फेट आ गया और रेड आयरन ऑक्साइड आ गया। तो ये 1000 पार्ट का सम पार्ट ए बन गया आपका। फिर RE-115XB70 आप प्योर फॉर्म में ले लें इस पार्ट भी और मिक्स कर लें और इसका बाइंडर्स टू फिलर रेशियो 1:1.6 है जो कि बहुत कम है पिछले वाले के मुकाबले में। सॉलिड कंटेंट भी इसका डिसेंट है 70.2%। और इसके बाद आप जो है इसको फर्दर डाइल्यूट कर सकते हैं पार्ट सी से जो कि जैसे कि मैंने पहले बताया ज़ारीन और एनबुटानॉल कॉम्बिनेशन है एट 4:1 रेशियो। तो ये दो आपके पास ऑप्शन हैं आयरन प्रोटेक्शन के लिए। अब आयरन के अलावा जो दूसरे मेटल्स होते हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एल्यूमिनियम है और हॉट डिप गैल्वेनाइज्ड आयरन है, सबसे ज़्यादा जो कॉमन है इंडस्ट्री में, तो इनके लिए क्योंकि आप जिंक या जिंक फॉस्फेट या रेड आयरन ऑक्साइड के थ्रू तो आप कोरोजन प्रोटेक्शन नहीं कर सकते। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी फिलर और पिगमेंट की कॉम्बिनेशन ऐसी हो कि एडिजन आपकी मैक्सिमाइज हो। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अगर कोटिंग्स के अंदर 20-30% टैल्क है तो इसकी एडिजन जो है एज टेस्टेड बाय वेरियस कंपनीज और बहुत ऑनलाइन लिटरेचर अवेलेबल है, एडिजन बहुत बढ़ जाती है किसी प्राइमर की। तो 011X75 180 पार्ट्स है। फिर MIBK, ज़ालीन एनबुटानॉल आप डालते हैं, टाइटेनियम है इसमें द पिगमेंट कोई भी और आप डाल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कलर यू वांट। फिर बेरियम सल्फेट है और टैल्क जो कि मेन आपके एडिजन प्रमोशन के लिए पाउडर था। ये आपका पार्ट ए बन गया। पार्ट बी में अगेन आपका स्पेशल सोल्यूशन है RE-115MXB70 का और बाइंडर्स टू फिलर रेशियो 1:2.7 है यहाँ पे और सॉलिड कंटेंट 68.6% है और पॉट लाइफ 1 डे है और इसको आप डाइल्यूट कर सकते हैं अगेन विद द ज़ालीन एंड एनबुटानॉल मिक्सचर जो कि 4:1 रेशियो पे है। तो ये तीन आपको मैंने डिस्कस की चीज़ें हैं, कंक्रीट प्राइमर, आयरन प्राइमर और अदर मेटल प्राइमर्स। ये तो प्राइमर है और प्राइमर का मतलब ये कि सबसे जो पहला कोड होता है सब्सट्रेट के ऊपर ये तो वो है, ये उसकी फॉर्मुलेशन हो गई। अब एक बार आपने प्राइमर अप्लाई कर दिया किसी भी सरफेस पे, उस सरफेस को आपने बेसिकली प्रोटेक्ट कर दिया किसी भी कोरोजन से या मैकेनिकल इम्पैक्ट से इन केस ऑफ कंक्रीट। अब आगे जो अंडरकोट है वो सेम हो सकते हैं इन सब सबस्ट्रेट्स के लिए। तो अंडरकोट का बाइंडर्स टू पिगमेंट रेशियो होता है 1:1.5 to 1:2 और ये थोड़ा सा हाई इसलिए रखते हैं ताकि हाइडिंग पावर जो है ना वो आ जाए इस अंडरकोट्स के थ्रू, आपको सबस्ट्रेट को छुपाना भी है फिर आखिर। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 011X75 अगेन विद MIBK के ज़ालीन और एनबुटानॉल एज सॉल्वेंट्स यूज़ किए हमने, पिगमेंट और फिलर जो आपको डालना है आप डालें। ये पार्ट ए बन गया आपका। फिर RE-115EC की एग्जांपल है यहाँ पे, ये आप यूज़ करेंगे 73 पार्ट्स 1000 पार्ट्स में तो ये सब इसको क्योर कर देगा। लेकिन अगेन आपको जो है डाइल्यूट करना पड़ेगा ज़ालीन और एनबुटानॉल से और इसका सॉलिड कंटेंट जो है 72% है। बाइनरी टू फिलर रेशियो जो कि इंपॉर्टेंट एक पैरामीटर है 1:1.83 है। अच्छा, इन कोटिंग्स को क्योंकि हम एक के ऊपर एक कोट कर रहे हैं तो इनका जो रीकोट टाइम होता है एज सून एज द कोटिंग इज टैग फ्री, जहाँ पे अगर आप RE-115
यूज़ कर रहे हैं तो कोडिंग टाइम डीकोड टाइम थोड़ा सा बढ़ जाता है आपका, क्योंकि टैग फ्री टाइम थोड़ा देर से आता है। लेकिन अगर आप 115 MXV70 यूज़ कर रहे हैं तो फिर टैग फ्री टाइम थोड़ा जल्दी आ जाता है। और इन सब फॉर्मुलेशंस में जहाँ हार्डनर मैंने जो भी मेंशन किया हुआ है, दूसरे हार्डनर्स भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि पिछली जो वार्निशेस थी या जो प्राइमर्स थे उनमें अगर आपका हाई ह्यूमिडिटी एनवायरनमेंट नहीं है या लो टेम्परेचर नहीं है तो आप RH15 इसी यूज़ करें, कोई मसला नहीं है। फिर है फिनिशिंग कोट। तो फिर जो भी आपका अंडर कोट है, रिगार्डलेस ऑफ दैट, फिनिशिंग कोट आपका डिटरमिन करता है आपको एक्चुअल क्या विजुअल प्रॉपर्टीज चाहिए। तो हमारे पास जो है मैंने बताया लो ग्लॉस हार्डनर भी है, और जो है RH115 MXV70 मीडियम ग्लॉस भी है, और फिर हाई ग्लॉस भी है, हाई ग्लॉस एंड लो येलोइंग जो कि RH215 XB70 है। तो उन दोनों की ही मैंने फॉर्मुलेशन यहाँ पे लगाई हुई हैं, आप देख सकते हैं। फिनिशिंग कोट में इंपॉर्टेंट ये होता है कि बाइंडर टू पिगमेंट रेशियो कम हो 1:0.5 to 1:1। क्योंकि जितना आप बाइंडर जितना आप फिलर या पिगमेंट बढ़ाते हैं तो उतनी जो सरफेस फिनिश है ना उसमें मज़ा ख़त्म हो जाता है। तो अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं इन सब फॉर्मुलेशन में MIBK, ज़ैलीन, एनब्यूटानॉल यही सब यूज़ हो रहे हैं, और लेकिन इनके मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन हैं। कॉम्बिनेशन इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि यहाँ पे मुख्तलिफ टाइप के सिस्टम्स हैं, मुख्तलिफ टाइप्स के जो है ड्राइंग टाइम चाहिए होते हैं, मुख्तलिफ टाइप के फिनिशिंग्स होती हैं, तो ये रेशियोज़ भी इंपॉर्टेंट हैं। तो आपका बेसिकली पार्ट ए इस केस में सेम रहेगा, और पार्ट बी में RH115 MXV70 यूज़ कर सकते हैं और RH215 XB70 आप यूज़ कर सकते हैं। और बाइंडर टू फिलर रेशियो एक केस में 1:0.88 है और हाई ग्लॉस के केस में 1:0.98 है। ये आप मज़ीद भी कम कर सकते हैं इसको। सॉलिड कॉन्टेंट तक 60% है, एक का दूसरे का 58% है, और अगेन आप इसको डायल्यूट कर सकते हैं ज़ैलीन और एनब्यूटानॉल से। डायल्यूट करने से कोई आपकी ग्लॉस पे यूवी रेजिस्टेंस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। डायल्यूशन का एक मकसद होता है कि फिल्म आपकी थिन हो जाती है। और सॉल्वेंट बेस्ड कोटिंग्स के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि फिल्म थिन से थिन हो, क्योंकि सॉल्वेंट जब इवेपोरेट करेगा तो इपॉक्सी का बाइंडर आपस में क्योर करेगा, और सॉल्वेंट इवेपोरेट नहीं करेगा तो बहुत टाइम तक वो ट्रैप रहेगा, और इनफैक्ट फाइनल जो मैक्सिमम जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है कोटिंग की वो आएगी भी नहीं। तो डाइल्यूशन वाला पार्ट इम्पोर्टेंट है। ये फिलर्स की एग्जाम्पल्स हैं, आप देख सकते हैं। जैसे कि आपको फ्लेम रिटार्डेंसी चाहिए तो आप एल्यूमिनियम ट्राईहाइड्रेट यूज़ कर सकते हैं, एल्यूमिनियम ट्राईऑक्साइड यूज़ कर सकते हैं, बेरियम सल्फेट की आपको मैंने एग्जांपल दे दी, फिर आयरन आप यूज़ कर सकते हैं ब्रेजन रेजिस्टेंस के लिए, मीका है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के लिए, रेडिएशन शील्डिंग कोटिंग्स हैं जहाँ वहाँ पर आप लेड एज अ फिलर यूज़ कर सकते हैं, जहाँ ब्रेजन रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ आप सिलिका सैंड यूज़ कर सकते हैं, सो एंड एंड सो फोर्थ। अच्छा, इसमें दो तीन और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं फॉर्मुलेशन के हवाले से कि 10 डिग्री से ऊपर जो है आप हमारे सारे सिस्टम्स को क्योर कर सकते हैं, लेकिन 10 डिग्री से नीचे आप जाते हैं, जैसे कि 5 डिग्रीज की मैंने एग्जांपल भी दी पीछे, तो उसमें इंफ्रारेड रेडिएशन या फैन फोर्स हीटर आप यूज़ करें तो बेहतर रहेगा ताकि हार्डनिंग आपकी अच्छी हो। और जैसे कि मैं बार बार रिपीट करता आ रहा हूँ कि लो टेम्परेचर्स पे जो है जो हायर रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाती है तो उसके लिए RH115 MXV70 ही प्रेफर करना चाहिए। और इनफैक्ट लो टेम्परेचर से बहुत इजी होता है कि ड्यू फॉर्म हो जाए, और ड्यू फॉर्म होने का मतलब ही है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% पर आ जाती है। और तीसरी चीज़ ये कि हार्डनिंग टाइम अगर आपके पास छोटे पार्ट्स हैं मेटल की कोटिंग के केस में तो आप उसको जो है अवन क्योर भी कर सकते हैं। जो हार्डनिंग आपकी एक हफ्ते में होती है, जो इपॉक्सी का फुल क्योरिंग टाइम एक हफ्ते में होता है, वो आपको जो है 2-4 घंटों में भी मिल सकता है। 65 डिग्रीज पे अगर आप 2-3 घंटे क्योर करेंगे तो फुल क्योरिंग हो जाएगी, 120 डिग्रीज पे 30 मिनट्स क्योर करेंगे तो फुल क्योरिंग हो जाएगी, और 150 डिग्रीज पे 10-20 मिनट्स क्योरिंग करेंगे तो फुल क्योरिंग भी हो जाएगी। लेकिन ये ख्याल रखिएगा इन टेम्परेचर्स पे जो मेंशन टाइम्स हैं, इस टाइम से ऊपर अगर आप क्योर करेंगे तो इपॉक्सी क्योर होने के बाद फिर डिग्रेड भी होना शुरू हो जाएगी। तो ये बेसिकली थ्रू ट्रायल एंड एरर, थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन, ये डिटरमिन्ड है टू बी द बेस्ट क्योरिंग साइकिल्स फॉर पोस्ट क्योरिंग समरी। तो बेसिकली हमने आज जिपॉक्सी पेंट एंड कोटिंग प्रोडक्ट रेंज डिस्कस की है पूरी, जिसमें हमारे 3 रेजिन्स हैं और 4 हार्डनर्स हैं और 5 एडिटिव्स हैं। रेजिन मैंने आपको बताया 3 टाइप्स के हैं, 134X90 जो कि लोअर फ्लेक्सिबिलिटी है और लेकिन हायर VOC कोटिंग्स है क्योंकि विस्कोसिटी कम है इसकी। फिर 011X75 जिसकी स्टैंडर्ड फ्लेक्सिबिलिटी है, स्टैंडर्ड VOC है इसका, सब प्रॉपर्टी स्टैंडर्ड है। और फिर इससे ऊपर वाली साइड पे हायर फ्लेक्सिबिलिटी पे 012X75 है, तो फ्लेक्सिबिलिटी का आपको वेरिएंस मिल गई तीनों के अंदर। इसके बाद फिर
हार्डनेस के अंदर आपको मैंने चार हार्डनेस बताया, जिपॉक्सी RH115 RH115 EC, जो कि मैंने बताया कि सेम ही है, सिवाय इसके क्या माइन वैल्यू और इमिडेबल कॉन्टेंट का फ़र्क है और थोड़ा बहुत एडिशन का फ़र्क है। जैसे कि 115 EC की एडिशन थोड़ी बेहतर है, लेकिन 115 की जो है ब्लश रेजिस्टेंस और ग्लॉस बेहतर है और केमिकल रेजिस्टेंस भी थोड़ी सी बेहतर है उसके मुकाबले में, थोड़ा थोड़ा फ़र्क है दोनों में। इन दोनों के मुकाबले में आपको बताया कि RH215 XB70 हाई ग्लॉस हार्डनर है, जिसकी इंपैक्ट रेजिस्टेंस इन दोनों से भी ज़्यादा है और हाई ग्लॉस के साथ यूवी रेजिस्टेंस भी ज़्यादा है और बिल्कुल ब्लश फ्री है वो, मतलब कि 0% चांस है उसमें ब्लशिंग का। और फिर चौथा था RH115 XB70, जो कि लोअर टेम्परेचर और डैम्प एनवायरनमेंट, डैम्प सबस्ट्रेट्स के लिए और हाई ह्यूमिडिटी एनवायरनमेंट्स के लिए रिकमेंडेड है। तो बेसिकली ये पूरी प्रोडक्ट रेंज का मकसद ये है कि आपको बिल्कुल ट्रबल फ्री एंड प्रोडक्ट आप फॉर्मुलेट कर सकें, और हमने आपको गाइडलाइन फॉर्मुलेशंस भी दे दी इसके साथ साथ सारे टाइप्स के जो पॉसिबल सर्फेसेज हैं, जैसे कि ये पोरस सबस्ट्रेट्स हो गए, कंक्रीट और वुड, फिर मुख्तलिफ टाइप के मेटल्स हो गए। मैं आपको बताया कि एक बार ही आपने प्राइम कर दिया सरफेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, फिर आपने अंडर कोट कोई सा भी आप करते हैं तो कोई मसला नहीं है। फिनिश कोट जो टॉप कोट है वो आपको अगर हाई ग्लॉस चाहिए तो आप हाई ग्लॉस टॉप कोट कर दें। तो ये सब चीज़ें हैं। तो बेसिकली आपको कोई भी और क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चंस हो, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमें सोशल मीडिया पे कांटेक्ट कर सकते हैं या हमें कॉल करके भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।